नमस्कार मैम, नमस्कार जी। नमस्कार रमेश जी। आज हम आपके सामने जो रिव्यूज लेकर आए हैं, ये रिव्यूज है प्रोफेसर सुमन सांगवान जी का। और आपको एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ कि इनका एस्ट्रोलॉजी पे कोई खास विश्वास था ही नहीं। इनके स्वयं ये क्रम की प्रधानता पर ही इनका विश्वास रहा कि केवल अपने नेक नियति से कर्म किए जाओ और जीवन में आगे बढ़े जाओ। मैम से ही अब चर्चा करते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। मैम आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अब कुछ एस्ट्रोलॉजी पे कुछ विश्वास हुआ या अब भी सेम स्थिति है? अगर मैं सही मायने में कहूँ तो पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। परवेश जी से हमारा इंटरेक्शन रहता था और बीच बीच में ये सलाह देते थे तो हम इनकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे कि नहीं नहीं हमें कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी ऐसे ही ठीक चल रही है, ठीक काम करो सब ठीक होगा। तो ये फिर भी हमें सलाह देते थे कि थोड़ी सी फेर बदल कर लो, वास्तु ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं इन बातों में नहीं मानती। तो फिर यूं हुआ कि मेरे बेटे का विदेश जाने का स्टडी के लिए कुछ हम लोगों ने अप्लाई किया और बहुत ही क्रूशियल टाइम था। ऑलमोस्ट 2 महीने में ही सारा प्रोसेस हमें करना था, जो कि बहुत ही कम टाइम माना जाता है, और हम हर चीज बिल्कुल पॉइंट पे कर रहे थे। तो बाद में एंग्जाइटी शुरू हुई, जो सभी माँ बाप के लिए स्वाभाविक है। जैसे जैसे टाइम करीब आया तो प्रवेश जी से मैंने पूछा कि प्रवेश जी आप अपने ज्योतिष से कुछ बताओ कि ये वीजा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल ये हो चुका था कि अब तो टाइम निकल गया और वीजा इस साल तो आने का कोई उम्मीद नहीं है। तो प्रवेश जी ने कहा कि चलो मैडम मैं देखता हूँ कुछ बताता हूँ। तो इन्होंने भी दूर से ही बैठे बैठे वहीं बताया, कुछ कैलकुलेशंस की और मुझे कहा कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आप चेक करो कि वहां पे कोई आपके हस्बैंड की फोटो रखी होगी और कुछ कॉपर का सामान वहां होगा। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले फिर भी आप मेरे कहने से एक बार चेक करो। तो मैं गई, मैंने देखा वहां वाकई में एक छोटी सी मेरे हस्बैंड की पासपोर्ट साइज फोटो पड़ी थी। मैं कह रहे कमाल है आपको वहीं बैठे बैठे पता चल गया। फिर तांबे का सामान चेक करने लगे, बच्चों को मेडल्स मिले होते थे तो वो थोड़ा बहुत नहीं, वो किलों के हिसाब से तांबा टंगा हुआ था वहां पे, क्योंकि आपके तो बेटे बड़े प्रतिभावान खिलाड़ी रहे जी। तो फिर ये हुआ कि कमाल है, मतलब आपने यहाँ देखा भी नहीं घर में और आपने बैठे बैठे वहीं से बता दी और ये तो दोनों चीजें मिल गई। तो बोले हाँ यहीं से सारी कृपा अटकी हुई है। तो प्रवेश जी ने कहा कि इसकी रेमेडी मैं बताता हूँ, पहले तो ये तांबे की चीजें यहाँ से हटा दो, अपने हस्बैंड की फोटो हटा दो यहाँ से, और एक चांदी के गिलास में थोड़े से चावल रखने हैं आपको। तो तब तक विश्वास तो ज्यादा सा मुझे तब भी नहीं था, पर मैंने कहा चलो कुछ नहीं, बैठे बैठे प्रे भी कर रहे हैं, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो बाकी मुझे ये लग रहा था कि नहीं नहीं होना होता कुछ नहीं है, इससे होनी तो अपने टाइम पे होती है, पर मैंने कहा चलो कर लेते हैं प्रवेश जी कह रहे हैं। तो चांदी का गिलास ढूंढा, चावल रखे वहां, और कुछ इन्होंने बताया, एक सिंपल सा एक निशान था कि बेटे की चेस्ट पे निशान बना दो। तो हमने कहा चलो बना देते हैं। और ये सब चीजें तो सब चीजें करते करते लगभग 1 हफ्ता हुआ था, और वो करना शुरू करके मैं फिर भी रोज मैं कहा प्रवेश जी कुछ हुआ नहीं। इन्होंने तारीख बताई, बोले जी 10 जुलाई को आएगा वीजा। तो मैंने कहा नहीं नहीं 10 जुलाई तो लेट हो जाएगा, 10 के बाद तो बिल्कुल ही सेमेस्टर अगले सेमेस्टर में जाएगा। रोज का हर दिन करीब आता जाए, 10 तारीख भी आ गई, तो मैंने कहा वीजा तो आया नहीं। और मैं पूरे इंतजार में बैठी कि आज तो मैं फोन चेक नहीं करूंगी बिल्कुल भी। और शाम को 5 बजे मैंने प्रवेश जी को फोन करके ये कहना है कि आपकी बताई हुई भविष्यवाणी गलत हो गई और वीजा नहीं आया लड़के का, 10 तारीख हो गई। तो फोन भी मैंने तो उस दिन अपना दूर रख दिया, वैसे मैं 3-4 बार वीजा चेक करती थी। तो अचानक से सुबह के 11 बज रहे थे और हस्बैंड का फोन आया, बोले फोन चेक कर वीजा आ गया। मैं कहे वीजा आ गया? तो हम बिल्कुल हैरान, मतलब जब हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे। और प्रवेश जी डटे रहे, बोले 10 तारीख आने दो मैडम, 10 तारीख आने दो, 10 को वीजा आ जाएगा, 10 को वीजा आ जाएगा। लेकिन हमें कि नहीं 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 और 11 बजे वीजा आ गया। तो सबसे पहला फोन प्रवेश जी को मिलाया कि आपकी कई बात सच हो गई, और बहुत ही सिंपल रेमेडी जिसमें कोई ना हमारे पैसे लगे ना कोई कंसल्टेशन फीस, इन्होंने थोड़ी सी तब्दीली बताई और वो चीजें करने से हमारा काम हो गया टाइम पे। तो मैम एक चीज और बताइए कि आपकी बेटी को भी एक चीज बताई थी, इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, वो
जो तारीख परवेश जी बताते हैं, अब हमें नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर जो इनकी तारीखों की कैलकुलेशन है वो गजब है। हम इनके इनसे जबरदस्ती वो तारीखें चेंज करवाने की कोशिश करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि थोड़ा जल्दी बता दो, थोड़ा जल्दी की डेट बता दो कि इस दिन हो जाएगा। बोले नहीं, डेट तो इसी तारीख को होगा काम। तो जो ये बताते हैं बहुत सटीक तरीके से, बेटी की भी इन्होंने प्रिडिक्शन करी कि उस दिन स्कॉलरशिप मिलेगी, और वाकई ही में स्कॉलरशिप मिली उनको उस डेट्स में। और तो ये दो इंसिडेंट्स तो मेरे साथ हो चुके हैं। अब ये भी एक चीज और है जो हनुमान जी की कृपा से होने वाली है, वो सृजन भी अपनी मदर को देख रहा है, लाइव देख रहा है। पुत्र अक्टूबर आ गया है, तुम्हारा समय प्रारंभ हो गया पुत्र। अक्टूबर के लास्ट वीक में आप भी जॉब वाली सूचना मुझे देने वाले हो, इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में हैं। हालांकि मैम ने बेटे के बारे में मेरे से पूछा था, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे से थोड़ी सी देर कहती थोड़ा सा पहले हो सकता। मैंने कहा मैडम मेरी कैलकुलेशन तो अक्टूबर के लास्ट की जाएगी। मैडम बोली थोड़ा सा सेप्टेम्बर कर दो। मैं कहा मैम होगा नहीं, लेकिन क्या देखते हैं। मैं कहा जी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने में कोई समस्या नहीं है। और अंततो गत्वा मुझे लगता है कि अक्टूबर के आसपास ही चीजें क्रियान्वित होंगी, अमली जामा पहनाया जाएगा, आपके बेटों को भी जॉब के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है हनुमान जी की कृपा से। अब तो मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे परवेश जी जो प्रिडिक्शन बता रहे हैं, एक बताई दो बताई, तो ऐसे दो तीन इंस्टेंसेस हो चुके कि इनकी कही बात बिल्कुल उसी तारीख पे वो चीज वैसे के वैसे ही हो जाती है। तो मैं मानती नहीं थी एस्ट्रोलॉजी को, पर अब मैं मजबूर हो गई हूँ एस्ट्रोलॉजी को मानने में। और एक इनकी कमाल की चीज है कि जो इनकी रेमेडीज होती हैं बहुत ही सिंपल सी, कुछ कोई प्लैनेट एक्टिवेट करना है तो कोई छोटा सा निशान बना लो, या ये घर की चीजों से छोटी मोटी रेमेडीज, थोड़ा सा वास्तु में चेंज कर लो, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक्स ये बताते हैं। तो विश्वास मेरा बड़ा है इस चीज की तरफ। और मैम के फ्रेंड तो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं चीजों। हाँ, वो तो रोज परवेश जी जो कलर का बताएंगे उन्हें उसी कलर का शर्ट रोज ढूंढते हैं कि आज ये मैसेज आया है, इस कलर के कपड़े पहनने हैं, तो वो रोज उसी कलर के कपड़े पहन के जाते हैं ऑफिस। बिल्कुल मैम, आप क्योंकि वो नक्षत्रा बेस कपड़े होते हैं, जिस दिन जिस चीज का नक्षत्र होता है उसके हिसाब से हम कपड़े डालते हैं, और वो नक्षत्र के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं। सज्जन बेटा नमस्ते, कैसे हो बेटा? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार आपने हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में धमाल मचाया, आशा करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी आप यूं ही ऑस्ट्रेलिया के क्षितिज पर चमकोगे पुत्र। एक दिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपका ऑस्ट्रेलिया के वहां से नाम होगा, और पुत्र जो भी जल्दी मिलने वाली है तुम्हें, ऐसी मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है। अगली प्रेडिक्शन आपने की हुई है तो हम 21 अक्टूबर का वेट कर रहे हैं। आपकी ये प्रिडिक्शन भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर सच होगी, क्योंकि अब तक की सारी प्रिडिक्शन आपकी बिल्कुल सही गई हैं हमारे लिए भी, और जो हमने हमारे आसपास के सर्कल में देखा है लोगों के लिए, जो भी आपने प्रिडिक्शन करी हैं अभी तक सारी सच हुई हैं बिल्कुल। एक और भी होने वाली है, अक्टूबर से थोड़ा सा बीच में भी होगी, और एक फरवरी में भी पूर्ण हुई थी। तो हनुमान जी से प्रार्थना है कि एक अक्टूबर के बीच वाली हो जाए, एक अक्टूबर के लास्ट वाली हो जाए। देखो मैम, मेरा ऐसा मानना है करने वाले कराने वाले हनुमान जी होते हैं, वो ही उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं कर देता, वो जो बुद्धि देते हैं उसका सदुपयोग कर लेता हूँ, और आप लोगों की श्रद्धा होती है। अब छोटी छोटी चीजों से काम हो सकते हैं, कोई भी रेमेडियल पार्ट पे मैम लाखों रुपए लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, 10 रुपए में भी काम होते हैं। मैम आपकी कितनी कॉस्ट आई थी मैम रेमेडी करने की? जीरो कॉस्ट। मतलब जीरो कॉस्ट में आपका काम हो गया, यही कमाल की बात है। क्योंकि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि पंडित ने बहुत सारे पैसे लेने हैं और कोई महंगा सा उपाय बताना है। दो चार पूजा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम आपका जुड़ने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना लाइव रिव्यूज दिया, और आशा करता हूँ आपके घर में सुख समृद्धि रहे, नवग्रह का आशीर्वाद रहे, और आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में भी यूं ही चमकता रहे जैसे हिंदुस्तान में चमकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और गॉड, और जल्दी बेटी का भी जनवरी में भविष्य उज्जवल होगा 2025 में। थैंक यू प्रवेश जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम, जय हनुमान जी की, जय श्री राम जी।